उत्तर कोरिया ने नई तकनीकों से लैस क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया भर में एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने इस हफ्ते के आखिर में अपनी लंबी दूरी की नई क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की ओर से ये दावा ऐसे समय में किया गया है कि जब परमाणु हथियारों पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत रुकी पड़ी है। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी के मुताबिक ये मिसाइल 2 साल में तैयार की गई और इसका परीक्षण शनिवार और रविवार को हुआ। परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। वहीं परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया की बातचीत साल 2019 से बंद है। ऐसे में उत्तर कोरिया बीच बीच में मिसाइलों के परीक्षण कर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण ऐसे समय में किया है जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और टोक्यो में बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर बातचीत होना लाजमी है। इस परीक्षण पर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर ने एक बयान में कहा कि इस गतिविधि से साफ होता है कि उत्तर कोरिया का फोकस अपने मिलिट्री प्रोग्राम को बढ़ाना है और इसके चलते वो अपने पड़ोसी देशों और इंटरनेशनल समुदायों के लिए खतरा बना हुआ है। बता दें कि उत्तर कोरिया पर अपने परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चलते इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि वो अमेरिकी आक्रमण के खतरे से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो लगातार उत्तर कोरिया के हालातों पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों को वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया था। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा था कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा उन्होंने परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई थी।